मेरा निकाह नामा है और ये फोटो जाते हैं 8 दिन के लिए 7 दिन के लिए, कहते हैं मर जाओ, हमेशा आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जब जेल से जाना बचना था, जेल जाने से तो निकाह कर लिए फर्जी, मतलब मामला मेरा कोर्ट में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अच्छा जी, मतलब सर मैंने नहीं दिया तो मुझे मारते थे, पीटते थे, सब कुछ करते थे। अतुल शर्मा सर थे तब से मैं यार हूँ सर, 8 महीने से कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। तब तक उनसे मुलाकात नहीं हुई? 3 बार मिली हूँ, तब कौन से विभाग का मैटर, विभाग का मैटर है। मैं अतुल शर्मा के कार्यकाल से मैं 8 महीने से दफ्तर के चक्कर काट रही हूँ। इतना अप्लीकेशन दिया, 500 भी अप्लीकेशन दे चुकी हूँ, पर कोई न्याय नहीं होता है। बार बार मेरे हस्बैंड हमको मारते हैं, पीटते हैं, 2 शादियाँ कर चुके हैं, जबकि पुलिस विभाग में 2 शादियाँ करना एक कर्मचारी के लिए शोभा नहीं देता है। ऊपर से मुझे तलाक तलाक बोल के 22 रोज से घर से भागे हैं। ना खाने के लिए पैसा है, ना चलने के लिए पैसा है, किराया देने के लिए पैसा है, कुछ नहीं है। इस आवाज़ से भेजते हैं तो कभी इस थाने पे, कभी उस थाने पे, कभी इनके पास, कभी उनके पास। थाने पे जाओ तो कहते हैं जाके किसी उच्च अधिकारी का वो लेकर आइए। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? अंजल अंसारी है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर है प्रयागराज में वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूरजहां। आप अभी कहाँ आके बैठ गई, क्यों बैठ गई? मतलब किसी अधिकारी? मेरे मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया है और किराया न देने की वजह से निकाल दिया है। जिस शहर में वो रहते हैं ना किराया देते हैं, ना दूध का पैसा देते हैं, ना पानी का पैसा देते हैं। दूध वाले का भी पैसा लेकर भागे हैं और 22 रोज से इसी जिले में तैनात है। कोई अधिकारी SSP तो उससे बात ही नहीं करते हैं, और उनके PRO जो है बदतमीजी से बात करते हैं, मेरा फ़ोन काट देते हैं। सब लोग मेरा नंबर ब्लैंक लिस्ट में डाल दिए हैं, कहते हैं विभाग का बात है, हम नहीं इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, आपका मैटर है। बस मारपीट पर बस करेंगे मुकदमा, ना ही विभागीय कर्मचारी पर मुकदमा नहीं करेंगे, ना ही 2 शादियों का और ना ही 3 तलाक पे। आप SSP के ऑफिस में बाहर बैठे हैं धरने पर? सर मैं क्या करूं, जब मेरे पास कोई चारा नहीं बना तो सब लोग भगा दिए घर से, मकान मालिक रेंट नहीं भर सकती हूं, तो क्या करूं? आ गई हूं यहीं पर, खुले आसमान में रहूंगी, न्याय करना होगा कर दीजिएगा, नहीं करना कोई बात नहीं। 8 महीने से मैं परेशान हूं, मेरा हाथ देखिए, इतना आत्महत्या करने के लिए मेरा पति परेशान, ये हाथ पूरा कटा है, ये हाथ इसमें 5 फाइबर कट गए हैं मेरे हाथ के, ये हाथ पूरा झंझनाता है मेरा हाथ, इसमें से पूरे फाइबर कट गए हुए हैं, इतना मारे थे, कान से खून निकल गया था। शकुंतला अस्पताल में मेरा ट्रीटमेंट चला है, फिर स्वरूप रानी में चला है, हरदम प्रेरित करते रहते हैं आत्महत्या करने के लिए। बीवी बच्चे होते हुए दूसरी शादी किए हैं झूठ बोलकर, कि बीवी मर गई थी, 3 बच्चे हैं, बोले 2 बच्चे, 1 बच्चा पड़ोसी का है, 3 बच्चे हैं उनके। जब सब कुछ पता है कि विभाग में 2 शादी नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हैं? सारे पुलिस वाले उन्हीं का साथ दे रहे हैं, कहते हैं विभाग का मैटर, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पारिवारिक मैटर, अगर पारिवारिक मैटर होता तो बात यहाँ तक नहीं आती, रोड तक। और तलाक पर अगर कानून बना है तो करिए ना, डालिए जेल में। और पहली बात तो ये है कि वो नौकरी पढ़ लिख कर पाए नहीं है, अपने पिताजी की नौकरी पाए, पिताजी उनके कॉन्स्टेबल थे और वो दरोगे की डायरेक्ट नौकरी पा गए, इसलिए उनको नौकरी का कोई महत्व नहीं पता है। इसलिए उनको नौकरी से बर्खास्त करें और मेरे साथ न्याय करें, जितने उतना मेरे साथ अत्याचार किया है सब, आज मुझे न्याय दे दीजिए, वरना मैं यहीं पर मर जाऊँगी। जिलाबाद में ऑलरेडी चल रहा है और प्रकरण मान्य न्यायालय में लंबित है, इसमें किसी अग्रेतर कार्रवाई की हमारे स्तर से आवश्यकता नहीं है। उनको ये बात कई बार बताई जा चुकी है, परंतु वो मान्य न्यायालय से न्याय लेने की बजाय वो दबाव बनाकर न्याय लेना चाहती हैं, और इस कारण से हम लोग अभी कोई भी ऐसा कार्य करने में सक्षम नहीं है जो मान्य न्यायालय के प्रकरण में, लंबित प्रकरण में कोई और हस्तक्षेप हो सके। ठीक है, मान्य न्यायालय इंसाफ देने के लिए बना हुआ है।